सिरमौर जिला में भी प्रदेश सरकार द्वारा कोविड को लेकर लगाई गई बंदिशों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सिरमौर जिला में भी अब नो मास्क नो सर्विस के आदेशों को लागू कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि सिरमौर जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है और यह कमेटी 15 जनवरी से पहले जिला के सभी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण कर यहां कोविड तैयारियों का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना इलाज संबंधी सभी दवाइयां जिला में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। डीसी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे घर से अस्पताल व अस्पताल से घर 108 एम्बुलेंस के जरिए छोड़ा जाएगा, ताकि अन्य लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। 15 तारीख से पूर्व 15 जनवरी से पहले पहले जो हमारी जिला स्तरीय टास्क फोर्स है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हैं, एसपी हैं, सीएमओ हैं, मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, ये सारे जो टीम हैं ये सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन का विजिट करेगी और उनमें फाइंड आउट करेगी कि किस तरीके की हमारी तैयारियाँ हैं, कितने हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कोई कमी है तो उसको उस कमी को दूर करने की कोशिश करेगी, ताकि आने वाली जो संभावना जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो जो सेकंड वेव में हमने देखा उससे 3 to 5 टाइम्स मोर लोग जो है वो इन्फेक्ट होने की इसमें संभावना है। तो उन लोगों के लिए, हालांकि इसमें फेटलिटी बहुत कम है, लोग होम आइसोलेशन से ही ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो प्रभाव इसका पड़ेगा उसके हिसाब से हम जिला में जो तैयारियाँ करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो इतना भी मेडिसिन हैं जो उपचार के लिए है, वो सारी मेडिसिन जिला में जो अभी आज की तारीख में उपलब्ध है, और आने वाले समय के लिए भी उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं कि आने वाले समय में अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो किसी भी प्रकार की दवाई की ऑक्सीजन की कमी ना हो। मैं भी कहना चाहूँगा कि ये भी डिसाइड हुआ है कि जैसे लोग पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव व्यक्ति को घर से ऑफिस घर से जो है वो हॉस्पिटल आने के लिए और हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए, या वर्क प्लेस में कोई पॉजिटिव आ जाता है उसको घर पहुँचाने के लिए 108 एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाएगा, ताकि जो उनके आने जाने से जो है किसी और व्यक्ति को जो है वो संक्रमण फैलने की संभावना ना हो, तो उसको कम करने के लिए 108 एम्बुलेंस का जो प्रोविजन जो कर दिया गया है। डीसी ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से दवाइयां पहुंचाई जाएगी। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस दौरान कोई पॉजिटिव व्यक्ति चिकित्सा परामर्श लेना चाहता है तो प्रशासन द्वारा जारी किए गए 1077 नंबर पर ले जा सकती है। साथ ही में इसी नंबर पर अन्य सहायता भी ले जा सकती है। डीसी ने कहा कि यदि किसी भी रिहायशी इलाके में 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी डिसाइड किया गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसके लिए जो है कंसर्न्ड बीएमओ अपने ऑफिस से कॉल करेगा और उसको सारी चीज़ों के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है उसके बारे में उसको अवगत कराएगा, और नेक्स्ट डे जो है आशा वर्कर उसके घर जाके एक होम आइसोलेशन किट जो है जिसमें सारी दवाइयाँ हैं हमारी, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक है, और आपका च्यवनप्राश उसके अंदर रखा गया है, थर्मामीटर है, ऑक्सीमीटर है, वो सारा उस फैमिली को परिवार को दे के आएगी और उसका कैसे प्रयोग करना उसके बारे में जानकारी देगी, और कोई कॉम्प्लिकेशन उसको लगती है कि मेरे को किसी डॉक्टर की आवश्यकता है तो उसका नंबर भी आशा वर्कर डॉक्टर का नंबर भी वहाँ दे के आएगी। और एक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम चल रहा है DEOC का 077, ठीक है, उसको भी हमने एक्टिवेट कर दिया है, वहाँ भी कोई व्यक्ति जो है जो COVID-19 पॉजिटिव परिवार है, व्यक्ति है, किसी को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोई डॉक्टर से उनका संपर्क नहीं हो रहा है, किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो उस नंबर पर भी सूचित कर सकता है। उनके माध्यम से जो है वो कंसर्न डॉक्टर जो है उस परिवार के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करेगा और उनको जो भी सहायता होगी वो सहायता जो उपलब्ध करवाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन का जो प्रोविज़न है वो सिर्फ आपका रेजिडेंशियल एरियाज में है या क्षेत्रों में है, वहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा केसेस एक जगह आते हैं तो उसको हम कंटेनमेंट जोन के ऊपर जो करते हैं। अभी पोंटा क्षेत्र में जो हमारा हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज था, वहाँ पे 5 से ज़्यादा केसेज आए थे तो उसको हमने, जो उनको बॉयज़ हॉस्टल है, उसको माइक्रो कंटेनमेंट बनाया है और सारे क्षेत्र को जो कंटेनमेंट जोन जो कॉलेज उसको बनाया था, ताकि जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस किया जा सके और उनके RT-PCR टेस्ट करवाए जा सके। अभी कल भी हमारे SDM ऑफिस में कुछ लोग थे, 12-13 लोग जो पॉजिटिव आए हैं, उसमें हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हम उन कमरों को बंद कर दिए गए, उनको सैनिटाइज करने के बाद जो है 2 दिन के बाद उन कमरों को खोला जाएगा और बाकी कार्य जो है वो चलता रहेगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए
सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goilmotor.com पर।